दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश के बहुप्रतीक्षित आईपीओ एलआईसी के आईपीओ को लेकर के स्थिति अब साफ हो गई है। अब माना जा रहा है कि इस साल अक्टूबर के बाद कभी भी एलआईसी का आईपीओ लॉन्च किया जा सकता है। तो ऐसे में जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी है उनके लिए भी अच्छी खबर है, उनको भी एलआईसी के आईपीओ से बेहतर कमाई के मौके मिल सकते हैं। दरअसल सरकार ने साफ कर दिया है कि जब एलआईसी का आईपीओ आएगा तो उसमें एलआईसी के पॉलिसी होल्डर के लिए 10% हिस्सा, इश्यू का 10% हिस्सा रिजर्व रहेगा एलआईसी पॉलिसी होल्डर के लिए। तो रिजर्व का मतलब यह हो गया कि आम निवेशकों के लिए जो इश्यू प्राइस रहेगी उसके मुकाबले पॉलिसी होल्डर को कुछ सस्ता आईपीओ मिलेगा। आमतौर पर कंपनियां अपने स्टाफ के लिए इश्यू रिजर्व रखती है, लेकिन एलआईसी ने अपने पॉलिसी होल्डर के लिए भी रिजर्व रखा है। तो ये जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी है उनके लिए अच्छी खबर है। संसद में वित्त राज्य मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईपीओ के बाद भी सरकार के पास बहुलांश हिस्सेदारी रहेगी और वह बीमा धारकों के हितों के मद्देनजर प्रबंधन पर अपना नियंत्रण जारी रखेगा। तो एक तरह से जो लोग डर रहे हैं, जो लोग आशंकित है कि एलआईसी में जिनके पॉलिसी है वो सेफ रहेगी या फिर नहीं रहेगी, उनके लिए उनके डर को सरकार ने समाप्त कर दिया है और कहा है कि जो मेजोरिटी स्टेक है एलआईसी में वो सरकार का ही रहेगा और बीमा धारकों के हितों के मद्देनजर प्रबंधन पर अपना नियंत्रण जारी रहेगी सरकार। अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि वित्त विधेयक 2021-2022 में प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर रिजर्वेशन प्रस्तावित किया गया है। एलआईसी के जीवन बीमा धारकों के लिए यह इश्यू साइज का 10% तक होगा। आपको बता दूं कि बजट भाषण 2021 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021-2022 में एलआईसी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। एलआईसी संशोधन विधेयक को वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया है, जिससे कि आईपीओ के लिए जरूरी विधायी संशोधन किया जा सके। सरकार की योजना एलआईसी में अपनी 25% हिस्सेदारी कम करने की है। तो इस तरह से एलआईसी का आईपीओ यानी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम इस साल अक्टूबर के बाद आ सकता है। तो ये पॉलिसी होल्डर के लिए भी एक अच्छी खबर है। आपको बता दूं कि एलआईसी की वैल्यू आंकने के लिए आईपीओ से पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है यानी डीपम जो है, चुनिंदा एक्सुरियल फर्म मिलीमैन एडवाइजर्स का चयन किया है, जबकि डेलॉय और एसबीआई कैप को प्री आईपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 में निवेश से 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया। विनिवेश मतलब जब सरकारी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करती है उसको विनिवेश कहा जाता है, और सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी कम करके सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार 2 सरकारी बैंकों और 1 इंश्योरेंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर यह अगले वित्त वर्ष में यह रकम जुटाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को छोड़कर सभी पीएसयूज में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। नीति आयोग से उन पीएसयूज की लिस्ट बनाने को कहा गया है जिनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। तो इस तरह से यह है एलआईसी आईपीओ को लेकर के अपडेट, और जैसे जैसे एलआईसी के आईपीओ को लेकर के और अपडेट आते जाएंगे मैं आपको अवगत कराता जाऊंगा। तो जो लोग एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं वो जरूर इन खबरों पर नजर रखें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।